Like, comment, and subscribe. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन्हें संतान का सुख मिला है वो भाग्यशाली हैं और जिन्हें संतान से सुख मिला है वो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिन्हें संतानता का सुख नहीं मिल पाता, और ये इंटरव्यू, ये बातचीत जो होने जा रही है खास तौर पर आप ही के लिए। मैं हूँ आरजे कार्तिक, माय एफएम से स्वागत करता हूँ डॉक्टर नैना पटेल का। कपशपित कार्तिक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं जीवी आईवीएफ की और 30 वर्षों ज़्यादा का अनुभव है, 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 18,000 ज़्यादा फैमिलीज जो हैं उनके घरों में किलकारियाँ गूंजी हैं, मुस्कान जो है उनके चेहरों पर आई है, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर नैना पटेल। सो मेनी मेनी थैंक्स एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जीवी आईवीएफ अब जयपुर में वैशाली नगर में भी आ गया। यस कार्तिक, दैट्स वेरी ट्रू, और आपने बहुत ही अच्छा कह दिया फर्स्ट कि जिसको संतान का सुख मिलता है वो भाग्यशाली है, और जिन्हें संतान से मिल जाता है बाद में सुख, जिनकी संतानें बहुत अच्छी हैं वो तो सौभाग्यशाली है। एब्सोल्युटली। लेकिन कुछ परिवार ऐसे रह जाते हैं मैम जहाँ ये संतानता का सुख नहीं मिल पाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि IVF की बात करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, IVF की जरूरत किन कपल्स को पड़ती है और क्या इससे रिलेटेड मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं जो आप सबसे पहले साझा करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? IVF अभी तो 40 साल ऊपर से हो रहा है और कितने दंपति है जिसको नेचुरली बच्चा होने ही वाला नहीं है, जिसके हस्बैंड के शुक्राणु बहुत बहुत कम है, 15 मिलियन से भी कम है, वाइफ के अंडे बंद है, उसकी ट्यूब्स ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी ऑपरेशन की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, या तो उसको बड़े एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसी कपल्स को IVF से ही बच्चा होगा, नेचुरली बच्चा नहीं होगा। और कई ऐसे कपल्स हैं जो नेचुरली सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं, IUI, लेप्रोस्कोपी, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं होता, शादी के 5 साल तक लगातार ट्रीटमेंट किया फिर भी बच्चा नहीं होता, तो इन कपल्स को देरी नहीं करनी चाहिए, भले ही उम्र 30 से कम हो, 32 से कम हो, पर IVF के लिए चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि IVF लास्ट ऑप्शन है, IVF कितने कपल को फर्स्ट ऑप्शन भी बन सकता है। राइट, आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी आज के ज़माने में बढ़ती क्यों चली जा रही है? इनफर्टिलिटी के बहुत रीजंस है, सबसे पहले तो पहले के ज़माने में छोटी उम्र में शादी, छोटी उम्र में बच्चे, आज के ज़माने में देर से शादी और बच्चे तो और भी देर से, और सबको सेटल होना है, करियर बनाना है, कर लेना है, गाड़ी लेना है, बाद में बच्चे का ख्याल आता है, तब तक तो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो बच्चे होने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल कितनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, लगातार एक साथ एक कमरे में रहते हैं, पर ये डिजिटल मीडिया ने साथ फिजिकली है पर उनका रिलेशन कुछ नहीं है, एक मोबाइल पे है तो एक लैपटॉप पे है, ये भी एक ज़िंदगी की रियलिटी हो चुकी है। फिर ओबेसिटी, जो ओबेस लोग हो जाते हैं उन लोगों के लिए भी बच्चा रुकना डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो इन सब चीज़ों की वजह से आज इनफर्टिलिटी का दर बढ़ गया है। पहले 1 in 10 कपल्स था, विद 1 in 6 कपल, और अभी तो बोलते हैं 5 कपल्स में से एक को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से कपल्स इनफर्टिलिटी का चेकअप कब करवाना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम? देखो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि शादी का 1 साल हुआ, आप साथ रहे, रेगुलर आप साथ रहे, आपने कोई दवाई ऐसे बच्चा ना होने की नहीं ली, कॉन्ट्रासेप्शन, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जाके डॉक्टर को मिलो। पर अगर आपकी उम्र लेट शादी हुई, 35 के बाद या 36 के बाद, लड़की की स्पेशली एज, तो 6 महीने के अंदर ही डॉक्टर के पास चले जाओ, या तो आपको कुछ रिलेशन रखने में दिक्कत हो रही है, या तो पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, या तो पता है कि फैमिली में, स्पेशली हस्बैंड के फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे हो, या तो छोटी उम्र में आपको ओवरी का या अपेंडिक्स का कुछ ऑपरेशन हुआ हो, तो इन सब कपल्स को तो जल्द से जल्द शादी के तुरंत बाद एक बार तो अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल, कि मेरे में बच्चे होने की पोटेंशियल कितनी है, क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो आप रुक जाओ 1 साल 2 साल, पर अगर है तो शादी का 6 महीना भी हुआ तुरंत इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू कर दो। राइट, विमेन के एग्स की बात करते हैं, कौन से स्टेज पर कम हो जाते हैं और उसके लिए क्या फर्टिलिटी अवेयरनेस और प्रिजर्वेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मेल्स पुरुष होते हैं, उनके जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म्स, वो तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हर 2 महीने नए बनते ही जाते हैं, 50 साल का हो या 60 साल का। पर फीमेल्स को भगवान ने जो ओवरीज, अंडपिंड बोलते हैं, उसमें बाई बर्थ अंडे रखे हैं, वो नए नहीं बनते, वो मिलियंस होते हैं, पर जब वो
रिप्रोडक्टिव एज यानी कि शादी करने की उम्र की हो जाती है तो बहुत कम बचते हैं और पूरे लाइफ में 400 या 500 एग्स ही मैच्योर होते हैं। तो अगर हम इंडिया में देखें तो 32 इयर्स के बाद ये जो ओवेरियन रिजर्व जो अंडे रहते हैं वो कम होने लगते हैं और 35 के बाद तो कम तो बहुत हो जाते हैं पर एबनॉर्मल भी हो जाता है। जैसे हम 25 की उम्र में हो हमारी स्किन हेयर कैसे दिखते हैं और हम 35 हो तो उस पर कितना असर पड़ा है हमारे लाइफस्टाइल का, बीमारियों का, एनवायरनमेंट का। तो वही असर जो सेल ओवरी में पड़ा है यानी कि एग उस पर पड़ता है और ये बोलते हैं कि पूरे शरीर में उम्र की जो इफेक्ट है एजिंग इफेक्ट वो सबसे पहले ओवरी पे पड़ती है यानी कि एग्स पे पड़ती है। तो 32 के बाद कम और 35 के बाद कम और ख़राब और 40 के बाद तो बहुत ख़राब और कम हो जाते हैं। राइट, IVF के थोड़ा सा बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की, कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं। IVF में देखो ICSI बहुत सालों से आ गया है, IMSI स्पर्म्स बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो हस्बैंड जो पुरुष होता है उसके टेस्टिस में से डायरेक्ट निकाल के टीसा पीसा और उससे भी स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम माइक्रो टीसी बोलते हैं, पूरा टेस्टिस ही बाहर निकाल के उसमें माइक्रोस्कोप बहुत मैग्नीफाई करके जो ट्यूब्यूल में स्पर्म्स दिखते हैं वहीं से ट्यूब्यूल्स निकालते हैं। फिर हम एम्ब्रियो है जो भ्रूण उस पर भी चेकअप कर सकते हैं जैसे नॉर्मल है क्रोमोसोमली या एबनॉर्मल, खास तौर पे जो एडवांस्ड एज की लड़की है या तो जिसको बार बार फेल जाता है, मिसकैरेज होता है, हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत कम हो या फैमिली में कोई डिजीज़ हो जैसे थैलेसीमिया चल रहा है, सिकल सेल चल रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, तो उसको बायोप्सी करके उसको PGT-A और PGT-M बोलते हैं और फिर सब फ्रीज कर देते हैं भ्रूण और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करते हैं। फिर एम्ब्रियो इमेजिंग है, फिर एम्ब्रियो एनालिसिस बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IVF का डोज सिलेक्शन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जिसके एग और स्पर्म कम हो गए हैं उनके लिए रीजनरेटिव मेडिसिन यानी कि PRP ट्रीटमेंट करके जो ओवरीज में है, टेस्टीज में है, एग और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी तो आपने ये सेक्टर इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अरे जब मैं छोटी थी तब तो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी बट इट वाज माय मदर जो बोली कि मेरा एक बच्चा तो डॉक्टर होना चाहिए। आई वाज द यंगेस्ट, कोई नहीं बना, आई वाज फोर्स्ड। बाद में भी आई वेंट विद अ कंडीशन कि मैं जाके MBBS के बाद IAS करूंगी बट मेरी शादी हो गई बिकॉज आई फेल इन लव विद अ डॉक्टर और IAS पॉसिबल नहीं था तो मैं आगे बढ़ी गायनेक में और गायनेक में भी मुझे पहले से डिलीवरीज में इंटरेस्ट नहीं था, इनफर्टिलिटी में इंटरेस्ट था क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है कि सबको बच्चा हो जाता है देखो पर कम ऐसे लोग हैं जिसको बच्चे नहीं होते तो क्यों नहीं होते और क्या हम करके उनको बच्चे दे सके और दैट इज़ द रीज़न मैं इनफर्टिलिटी में गई। और जब मैंने IVF आनंद जैसे छोटे गांव में शुरू किया तो लोग हंसते थे कि मेट्रो में भी सक्सेस नहीं जाता, आनंद में क्या होगा, वेरी चैलेंजिंग, बहुत बम्बई से दवाई मंगाओ, अहमदाबाद से एम्ब्रियोलॉजिस्ट बुलाओ, रात भर जागो कि डबल डिस्टिल वाटर आनंद में मिल सके और सुबह 5 से लेके 8 IVF करो और 9 बजे से रूटीन ऑब्स्टेटिक करो और फिर रिजल्ट मिला तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि नहीं छोटे गांव में इफ़ यू हैव द विजन यू हैव द पैशन तो हो सकता है। और फिर जब मैंने IVF चालू किया और रिजल्ट आने लगे तो सरोगेसी और सरोगेसी के बारे में तो आप जानते ही हो बिल्कुल, थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं कौन से क्लिनिक्स इसके लिए सही हैं सरोगेसी के। सरोगेसी में अभी तो इंडिया में एक कानून बन गया है जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप है क्योंकि इसका ओवरयूज या मिसयूज ना हो पर ये थोड़े डिफिकल्ट है कि कपल्स के लिए ये प्रूव करना है कि उनको सरोगेसी की ज़रूरत है, खुद की सरोगेट लाना है, सरोगेट को कॉम्पनसेट यानी कि पैसे नहीं देना पर उसकी देखभाल कर सकते हैं तो ये सब चैलेंजेस आ गई है। पर जिसको बचपन से बाई बर्थ बच्चेदानी नहीं है, 4000 में से एक लड़की ऐसी वर्ल्ड में बॉर्न होती है जिसको बाय बर्थ भगवान ने सब दिया पर बच्चेदानी भूल गए तो दैट इज़ वन थिंग। जिसकी रिमूव कर गई है TB की वजह, फाइब्रो की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस से खराब हो चुकी है या तो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और बच्चा खुद का नहीं कैरी कर सकती तो ऐसी लेडीज़ के लिए सरोगेसी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और मैंने जब वो शुरू किया तब इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब बट सक्सेसफुली
वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 1700 बेबीज थ्रू सरोगेसी एंड इतने सारे कपल्स जिसको कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उसको एक लास्ट रे ऑफ होप सरोगेसी से बच्चा हो सकता है। बिल्कुल, आखिर में मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी 5 टिप जो है आप देना चाहेंगी अगर कोई IVF को ऑप्ट करने जा रहा है। मैं बोलूंगी कि IVF जो कपल्स इनफर्टिलिटी है IVF करवाना चाहता है, फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिविटी। डिफिकल्ट है पर पॉजिटिव रहो, यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि IVF का हमेशा 100% सक्सेस नहीं रहता। दूसरा, लाइफस्टाइल अच्छी कर लो, और अगर आप इतनी ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, नहीं ये पेनफुल है, इसमें दर्द नहीं होगा, बहुत महंगी है, रिजल्ट नहीं आता, ये सब मिथ्स है, जाके अपनी क्लिनिक में डॉक्टर को जाके मिलो और ये सब क्लियर करो डाउट्स कि ऐसा नहीं है IVF में। अच्छी से क्लिनिक सिलेक्ट करो जहाँ आप एक पेशेंट या नंबर नहीं हो पर एक पर्सनल टच, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में पर्सनल ह्यूमन टच वेरी इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव आता है तो ठीक है, पर नेगेटिव आया तो उसका तो हैंड होल्डिंग ज़्यादा करना है, तो क्लिनिक अच्छे से सिलेक्ट करो। अच्छे से अपने 4th टिप डॉक्टर से सब समझो कि क्या IVF, कैसे इंजेक्शन, कितने एग्स, कितने एम्ब्रियोज, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, क्या करने से मुझे ज़्यादा फायदा होगा, क्या करने से मुझे कम होगा, ये सब रखो। और 5th, आप भगवान को बहुत प्यारे हो इसलिए आपने आपको भगवान ने स्पेशल बनाया है और आपका जो बच्चा आएगा वो तो उससे भी ज़्यादा स्पेशल होगा, तो डोंट लीव दैट होप, कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट, नेवर ब्रिंग नेगेटिव थॉट्स एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि आपके घर ये किलकारी आने वाली है, वो गारंटी है आज की ट्रीटमेंट से। क्या बात है, किलकारी जरूर गूंजेगी। थैंक यू सो मच मैम। जाते आते बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ओपरा विनफ्रे का जो शो है उसका भी आपको एक्सपीरियंस रहा, उसका भी आप हिस्सा बनी थी? यस, 2007 अक्टूबर 9 हमारा शो आकांक्षा हॉस्पिटल का, वहाँ से मुझे ईमेल आया कि हमको आपकी सरोगेसी की स्टोरी करनी है। दे केम एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड लीजा लिंग जो आई थी वो बहुत खुश हुई कि यहाँ तो एक बच्चे, एक कपल को बच्चा मिल रहा है और एक फैमिली की लाइफ बन जाती है, कि जो कॉम्पनसेशन बनते हैं उसमें से वो लोग बिजनेस या तो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, सब करते हैं। और ओपरा विनफ्रे ने उसका टाइटल दिया था, वन वुमन हेल्पिंग अनदर वुमन, आई लव इट। क्या बात है, क्या बात है। और कोई आप बात अपने बारे में बताना चाहेंगे जाते जाते? ज़्यादा ज़्यादा बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं क्यों राजस्थान में हूँ, इसलिए कि क्यों इतनी एडवांस ट्रीटमेंट आ रही है, तो जब बोलते हैं ना कि हमको लोगों के पास जाके, नाउ इज़ द टाइम कि वो सब ट्रीटमेंट अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सब करे, जैसे कि ज़्यादा के ज़्यादा गांव-गांव के कपल्स को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि छोटे गांव से शहर में जाना डिफ़िकल्ट होता है, सब जगह सब लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते, तो हम उनके पास पहुँचे। एंड दैट इज़ द मोटो ऑफ ज़ीविया कि जयपुर में, जयपुर के आसपास के गांव में और दूर दूर तक राजस्थान में एवरी नूक एंड कॉर्नर हम ये इनफर्टिलिटी IVF का ट्रीटमेंट अच्छे से करें और सब अच्छी फैमिलीज जिसमें बच्चे हो जाए, खुशी मिले, ऐसा करें। बिल्कुल, तो ZVIVF जयपुर में अब सी स्कीम के साथ साथ वैशाली नगर में भी आ चुका है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और ZVIVF की पूरी पूरी टीम। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें, गुड न्यूज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो YFM सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुन। नमस्कार, मैं संदीप चौहान, सिटी नाउ में आपका स्वागत। 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 73% सक्सेस रेट, 18,000+ सक्सेसफुल डिलीवरीज एंड 1,600 सरोगेट बेबीज। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली वन मोस्ट फेमस नेम इन IVF वर्ल्ड, अवार्ड विनिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड बेस्ट IVF स्पेशलिस्ट, डॉक्टर नैना पटेल। नमस्कार मैडम। अ 5-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट एंड लिस्ट बट नॉट लास्ट, सी इज अ मेंटर एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ ZVIA IVF। मैम, यू हैव 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक IVF, ICSI एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज IVF? IVF क्या होता है कि व्हेन अ कपल इज नॉट एबल टू कंसीव, तो एक साल तक ट्राई करते हैं, बच्चा नहीं होता है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इनफर्टिलिटी जिसको बच्चा नहीं होता है, दैट डजंट मीन ऑल ऑफ देम नीड IVF।
पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है, उनका एग छूटता है, स्पर्म काउंट भी होता है, एंड देन एक्सरे करके ट्यूब्स या तो लेप्रोस्कोपी करके सब चेक कर देते हैं कि ट्यूब्स ओपन है या तो कोई फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, सब चेक करके जब लगे कि IVF, लाइक से IVF हुआ था क्यों, जिसके दोनों नलियाँ ट्यूब्स बंद होती है फेलोपियंस, उसके लिए फर्स्ट IVF बेबी हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जो अंडा रिलीज होता है और जो स्पर्म ऊपर जाता है वो ट्यूब में मिलते हैं, फर्टिलाइज होता है और भ्रूण बनता है। तो क्या सोचा था साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, कि ट्यूब्स बंद हो उसके लिए ही IVF है। पर ICSI का ट्रीटमेंट 1991 में आया और पूरा चेंज हो गया। क्योंकि पहले क्या होता है कि पुरुष में स्पर्म्स यानी शुक्राणु बहुत कम हो जाते हैं तो उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं थे। लेकिन ICSI आने के बाद 5 ही स्पर्म्स हो, 10 हो, या तो डायरेक्ट टेस्टिस में से निकाले, बाहर नहीं निकलता हो, उसका भी हो जाता है। तो IVF इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर कपल्स हु हैव ब्लॉक ट्यूब्स वाइफ की हो, एग्स बहुत कम हो गए हो, हस्बैंड के स्पर्म्स यानी शुक्राणु बहुत बहुत कम, 15 मिलियन से कम हो चुके हो, उसकी मोटिलिटी हलन चलन नहीं है, या तो बार बार उसका IUI फेल गया हो, या तो लॉन्ग टाइम तक सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती हो, तो उन लोगों के लिए IVF। और अभी एक और ऐड हो चुका है कि जैसे लेडीज़ के एग्स ख़त्म हो जाते हैं, खुद का अंडा नहीं बना सकती, तो बाहर से अंडे डोनेट करके लेके हस्बैंड के स्पर्म से IVF ICSI करके वो भ्रूण वापस उसमें रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए IVF करना पड़ता है। ये जो चाइल्डलेस कपल है, जो निसंतान हम कहते हैं उनको, और आपने जो अभी इस टेक्निक में 30 ईयर्स से भी ज़्यादा बहुत काम किया है, वो जो असाधारण काम आपका है उसमें, और एक जो महत्वपूर्ण बात रही है कि आपने प्रसूति एवं स्त्री रोग या फिर IVF विशेषज्ञता या फिर जो बांझपन है उस पर जो आपने काम किया है उससे कई जोड़ों को मदद भी मिली है। लेकिन ऐसे भी जोड़े हो सकते हैं जिन्होंने बहुत जगह IVF ट्रीटमेंट ली है लेकिन वो फेल गई है, तो फिर ऐसे जोड़े समझो आपके क्लिनिक में आए या फिर आपके सामने आए, तो क्या आधुनिक टेक्निक है उनका भी IVF सफल हो सकता है? देर आर लॉट ऑफ न्यू एडवांसेस दैट आर कमिंग अप एंड वी इन ZIVIA हम लोग बहुत खुश है कि हम वी आर वन स्टेप अहेड। ZIVIA बिलीव्स इन टेकिंग वन स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे चलो। क्योंकि कोई भी कपल आएगा वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा कि मेरा आर यू मीट दैट दोज डेस्परेट कपल्स और नॉट? यस वी मीट, वी काउंसिल। मेरा तो क्या है कि पॉजिटिव कपल को नहीं मिलती, पर नेगेटिव को तो मिलना ही है। क्योंकि एक तो उसका टाइम गया, पैसा गया, और उसका शरीर में दवाई भी गई, बाद में भी एक बच्चा हाथ में नहीं आता है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? वी हैव टू एनालाइज द फुल केस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि उसका अंडा देने का इंजेक्शन ठीक गया था, एग अच्छे निकले थे, स्पर्म में दिक्कत थी, क्या 2-3 महीना लाइफस्टाइल चेंजेस करके वो कर सकते हैं? क्योंकि जो एग आज निकलना है वो बॉडी में 3 महीने पहले डिसाइड हो जाता है। तो 3 महीने के अंदर ऐसी कोई बीमारी आई या खाने पीने में ध्यान नहीं रखा, स्पर्म भी इज़ अ 64-72 डेज प्रोसेस बनता है। तो वो सब लाइफस्टाइल हॉलिस्टिक अप्रोच सब पे हम ध्यान देते हैं, उसके बाद उसका प्रोसीजर डिसाइड करते हैं। उसके बाद पूरा एनालिसिस के बाद हम बोलते हैं कि देखो, अगर आपकी एज बड़ी हो गई है, AMH कम है, और आपका बार बार फेल जाता है या मिस हो जाता है, तो ओवेरियन रिजुविनेशन करेंगे। क्योंकि ओवरीज में डॉर्मेंट सुषुप्त एग्स तो रहते ही है। तो 40 साल की लड़की को ऐसा नहीं बोलना है कि तेरी एज बड़ी है तू डोनर ही ले ले, नहीं, तेरा 2 IVF फेल गया, पर तीसरा करने से पहले हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे, एक्सरसाइज एरोबिक्स का प्लान देंगे, और आपके ओवरी को रिजुविनेट कर देंगे। आपके ही ब्लड में से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर निकाल के दोनों ओवरी में डालेंगे, फिर 2 महीने तक दवाइयाँ चलेगी। इफ़ यू आर लक्की वो 2 महीने में भी आप कंसीव हो जाओगे, नहीं हो जाएंगे तो बाद में 3rd महीने में IVF करेंगे, तो रिजुविनेशन का असर हो जाएगा, क्वालिटी एग की अच्छी रहेगी और एम्ब्रियो।
एक एक स्टेप पे ध्यान देना पड़ता है। स्पर्म का तो हस्बैंड को भी बोलना पड़ता है कि योगा इज़ वेरी गुड फॉर स्पर्म्स, आपको डाइट में ये अखरोट वगैरह ज़्यादा खाना है, आपको तम्बाकू ड्रिंकिंग कुछ भी आदत हो स्मोकिंग सब बंद करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, लैपटॉप लेके ज़्यादा काम नहीं करना, वो सब एडवाइस देंगे, बाद में उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और लेबोरेटरी में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है, इंजेक्शंस के प्रोटोकॉल बदलेंगे, हमको पहले से ही पता है कम जैग है तो ड्यूओ स्टिम दो बार एक ही साइकिल में स्टिम्युलेशन वाला करेंगे। फिर लैब में भी टेक्निक्स आती है कि हम स्पर्म को एक्टिवेट कर सकते हैं, एग को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छा हो और एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी हो। तो जो ब्लैंकेट प्लेन IVF ICSI का ज़माना गया, अभी हर इंडिविजुअल कपल चाहे फर्स्ट साइकिल हो चाहे 5-6 बार फेल होके हमारे पास आए हो, इन सब का कस्टमाइज्ड IVF कस्टमाइज्ड ICSI बोलते हैं, और इसका रिजल्ट इज रियली बेटर देन अ ब्लैंकेट प्लेन वेनिला IVF। सो ZIVIA IVF यूज ऑलमोस्ट एनी एडवांस टेक्निक इन IVF, ऑल हिस्ट्रोस्कोपी करके बच्चेदानी सही नहीं है तो सब एंडोमेट्रियल PR भी करके वो ठीक कर देते हैं, हम सेल कॉन्सेंट्रेट से भी वो अच्छा कर सकते हैं। एम्ब्रियो को 3 दिन पे डालना 5 दिन पे डालना नॉर्मल है वर्ल्ड ओवर। हम एक और टेक्निक करते हैं जिसको बोलते हैं कि हम 80 आवर्स ट्रांसफ़र के उसको निकाल देते हैं बाहर लैब में फ्रीज करके, फिर उसको ग्रो करके फिर उसको डालते हैं। वो ईरा टेस्ट है कि एनी डे ऑफ साइकिल यू कांट पुट बैक एम्ब्रियो। लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-30 डेज का रहता है उसमें सिर्फ 1.5 या 2 दिन तक वो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है जब वो खुल जाता है और एम्ब्रियो एक्सेप्ट करता है, तो वो भी कब होता है उसका डायग्नोसिस का भी एक टेस्ट ईरा आता है, ईरा इमा एलिस, वो भी हम करते हैं ताकि सब कुछ लगा के कपल को बेस्ट पॉसिबल IVF ट्रीटमेंट दे के मोस्ट डिफ़िकल्ट केस में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। एम्ब्रियो बार बार फेल जाते हैं मिसकैरेज, तो एम्ब्रियो की बायोप्सी करके उसका नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, जैसे स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट भी होती है ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, सब नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट अच्छे बनते हैं पर वो 10 बनेंगे उसमें एक ही नॉर्मल होगा, बाकी के 9 रखोगे तो फेल या तो मिसकैरेज। तो वो भी ट्रीटमेंट पुणे के ही ZIVIA IVF में सब किया है और उन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट और प्रेगनेंसी आगे बढ़ी है। फीमेल को डायबिटीज़ हो थायराइड हो कितने सारे हस्बैंड को भी हो तो उसकी असर भी एग के स्पर्म और एम्ब्रियो पर पड़ती है, तो उसको भी पहले कितने टाइम पहले ठीक करके फिर लेना है। दैट ऑल एनालिसिस एंड थॉट प्रोसेस गोज इनटू गेटिंग आउट द बेस्ट आउटकम ऑफ IVF। मीन्स एवरी एडवांस टेक्निक यूज इन ZIVIA IVF एनी एडवांस। और एक बात है कि आपका जो टैगलाइन या फिर जिसे हम कहते हैं कि लाइफ बिगिंस हियर, ये जो हमने रखा है टैगलाइन, वो इसीलिए मायने रखती है कि यस, इधर जो चाइल्डलेस कपल अगर कोई आता है तो श्योर शॉट वो फेल नहीं जाएगा, उसको हमारी 100% आप जानते हो सही बात, ही इज द डिसाइडर, ऊपर वाला बोलेगा कि आज होना है तो हो जाएगा, बट यस ZIVIA इज वेरी अहेड इन टेक्नोलॉजी एंड ZIVIA इज ब्लेस्ड। यस, ये ओवुलेशन डिसीज जो है वो अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक रहता है तो भी IVF का अच्छा ZIVIA के अंडर काम हो सकता है। यस जिसका डिलेड ओव्यूलेशन होता है जल्दी हो जाता है, PCO आजकल PCOS बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत बढ़ गया है यंग गर्ल्स में क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, एनवायरमेंटल जंक फूड, लेस ऑफ एक्सरसाइज, मोर ऑफ सोशल मीडिया TV टाइम, तो उस सब मिला के स्ट्रेस, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जो लड़कियां होती है उसका AMH बहुत हाई, वज़न बढ़ जाता है, ओबेसिटी हैज़ बिकम अ बिग कंट्रीब्यूटर के इनफर्टिलिटी के रीज़न बन गई है, और जो लड़कियों का 3 महीने में एक बार पीरियड आता है या तो बहुत सारे एग्स हैं, उन सब की ट्रीटमेंट यहाँ हो जाती है। और ऐसा नहीं ZIVIA सिर्फ IVF, वी ट्राई टू सी दैट नेचुरली भी हम दे सके उसको प्रेगनेंसी, सिर्फ लेप्रोस्कोपी से भी ट्रीट करके कर सके IUI,
और IVF सब। तो हमारा एम क्या है कि लीस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, लीस्ट पॉसिबल खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दो, और कपल का हैंड होल्डिंग तब तक करो जब तक वो यहाँ से बच्चा लेके ना जाए। दैट्स वाई लाइफ बिगिंस हियर। यहाँ आओगे तो हमारा कोशिश रहेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा और वादा रहेगा कि बच्चा लेके जाओगे। यस, मैं और भी मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं मैडम से ज़रूर पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ज़िविया IVF विथ बेस्ट मोस्ट फेमस IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर नैना भट्ट। ब्रेक के बाद फिर से सभी दर्शकों का स्वागत, और हम सुन रहे डॉक्टर नैना पटेल, ज़िविया IVF मेंटोर एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ ज़िविया IVF एंड आकांक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ प्लेस्ड इन आनंद गुजरात। आई थिंक यू आर ऑल्सो मेडिकल डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। मैडम ने बांझपन के क्षेत्र में 30 साल से भी ज़्यादा समय तक स्टडी किया है, प्रसूति एवं स्त्री रोग हो या फिर IVF विशेषज्ञता हो, और इस असाधारण काम के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। नाइजीरिया में उधर के महामहिम राजकुमार द्वारा भी आपको नवाजा गया था, जो महिला नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार आपको उधर मिला था, और निम्यूलिस डॉक्टर्स ऑफ गुजरात और ज्वेल ऑफ गुजरात, ऐसे बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले, अवार्ड्स मिले हैं। मैडम, जो अभी आपने बताया कि जो शुक्राणु या स्पर्म्स रहते हैं उनकी मोटिलिटी पे भी डिपेंड रहता है, तो वो भी कुछ इस पे प्रभाव पड़ सकता है चाइल्डलेस होने का उस कपल्स को? यस, जैसे बोलते हैं कि हस्बैंड इज 50% रिस्पॉन्सिबल, 30% वाइफ। नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल ओनली फीमेल, मेल आल्सो, मेल भी, पुरुष का भी इतना ही इसमें सहयोग है कि बच्चा होने में, ऐसा नहीं कि काउंट अच्छा है तो मेरे को बच्चा हो ही जाएगा। मोटिलिटी कम हो सकती है, एबनॉर्मल स्पर्म्स, तो मोटिलिटी WHO ने बोला है 38% तो मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम हो तो नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकती। IVF, ICSI, ICSI करना ही पड़ता है, कई बार तो 80 मिलियन काउंट और 0% मोटिलिटी, तो हम उसको एक्टिवेट करते हैं कैल्शियम आयोनिफोर, पेंटोक्सीफाइलिन या इरेक्टिक स्टिम्यूलस दे के, और टेस्टिकुलर रिजुविनेशन भी करते हैं, जैसे ओवरी में एग्स है उसको रिजुविनेट किया, स्पर्म्स को भी कर सकते हैं। कम स्पर्म काउंट हो, बार बार IVF ICSI भी फेल जाता हो, या तो मोटिलिटी एबनॉर्मल बहुत हो, तो उसमें हम PRP डाल के स्पर्म्स एक्टिवेट कर सकते हैं। और माइक्रोटीसी है कि जिसमें बिल्कुल बाहर शुक्राणु नहीं आ रहे हैं पर अंदर बन रहे हैं, तो टीसा से भी नहीं आ रहे, तो पूरा टेस्टिस को ओपन करके स्क्रोटल स्किन निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देख के ट्यूब्यूल्स निकालेंगे। अच्छा। और माइक्रोस्कोपिकली हम सेल थेरेपी स्टेम सेल्स डाल के टेस्टिस को रिजुविनेट करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्निक, प्रोबेबली अभी तो शुरू होने वाला है, तो दैट ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग कि मेल को उसके खुद के स्पर्म से बच्चे हो। मेल में क्या होता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको, टू मच ऑफ मोटरसाइकिल चलाते हो, स्ट्रेस वाली लाइफ स्टाइल, स्पेशली जिसको रात के कॉल सेंटर में दिन में सोते हैं, ओबेसिटी जो उसकी लाइफ स्टाइल पूरी अलग, और उथल पुथल मोटापन है, ओबेसिटी, उसमें भी स्पर्म्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर डायबिटीज़ हो, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए स्टेटिन्स ले रहे हो, इन सबको भी ये, या तो बचपन में कोई बॉल लगा हो तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते, कुछ भी इंजरी हुई हो टेस्टिस पे, या तो हर्निया हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ हो, तो इन सब के लिए। और अभी तो क्या एक और भी इंडिकेशन, स्ट्रेस इज ऑल्सो, और अगर कोई छोटे एज में कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी ले लिया, तो अभी हम बोलते हैं कि 16-17 साल का बच्चा हो मेल, तो उसको कदापि कुछ कैंसर हुआ और उसको कीमोथेरेपी देनी है, कैंसर की ड्रग्स, तो उसके पहले उसका सीमेन फ्रीज करवा दो, टेस्टिस में से निकाल हुए कि कुछ भी, तो देन दो स्पर्म्स, जिसको हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं, वो भी यहाँ करते हैं कि हर एक को बोलते हैं कि कोई भी डिजीज़ अगर बच्चे में आ जाए तो कीमोथेरेपी चालू करने से पहले 16-17 साल के स्पर्म्स यहाँ फ्रीज कर दो,
फिर वो ठीक हो जाए, फिर 26-30 साल जब भी शादी करे वो स्पर्म से खुद का बच्चा कर सकते हैं। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा हम यहाँ पे जीविया में चालू कर दिया है सब जगह। अच्छा मैडम, ऐसे भी बहुत कपल्स हैं जिन्हें संतान तो चाहिए लेकिन सब डिपेंड करता है फिर खर्चे पे, और जब ऐसे कपल्स हो उनके पास वो जो IVF पे के जो खर्चा होने वाला है दे सोचते कि ये कॉस्टली है या फिर हम नहीं कर सकते और इसके लिए वो संतान उनको नहीं मिल सकती, तो इन लोगों के लिए क्या कुछ आप सोशल कुछ काम कर रहे हैं या क्या नहीं है? जीविया इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव टू दिस। जीविया में ऐसा कभी नहीं है कि सिर्फ पैसा। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रन द शो, वो तो चाहिए, पर हमारे यहाँ EMI का भी सिस्टम है। हमारे यहाँ किसी का एक साइकिल फेल गया तो दूसरे में बहुत डिस्काउंट दे के जितना हो सके कि बच्चा लेके जाए उनको सपोर्ट करे। 50% पेमेंट नाउ, 50% बाद में, वो भी स्कीम्स रहती है। और कई बार तो हम ऐसे ही ज़्यादा डिस्काउंट दे के दूसरी साइकिल में आता है या तो कोई ऐसा लगता है तो वी हेल्प देम। और हमारे जो पैसे वाले पेशेंट्स आते हैं उसका पॉजिटिव आ गया तो उसको भी बोलते हैं कि थोड़ा एक किट्टी में डाल दो तो किसी को। अच्छा, फ्री। और कपल्स विलिंगली डू, ऐसे कपल्स आते भी है कि खुद का रिजल्ट आ गया तो थोड़ा बहुत, तो हमारी ओर से पॉजिटिव आए कपल्स की ओर से। और मैं तो हर एक IVF पॉजिटिव प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाले को बोलती हूँ कि आपको बच्चा हो गया, आपने मन्नतें मांगी होगी पूरी करो, पर एक मन्नत ज़रूर लो कि मुझे IVF से बच्चा हुआ तो मैं दूसरे 2-3 को हर साल एक एक को मदद करूँगा कि उसका भी बच्चा हो जाए। आनंद में तो वो स्कीम अच्छा चल रहा है पर यहाँ भी वो शुरू। व्हाट इज़ अबाउट जयपुर? वी टॉक अबाउट जयपुर, ऑल्सो पीपल आर वेरी सपोर्टिव। और मैं यही बोलती हूँ क्योंकि क्या होता है बच्चा होने के बाद सब खुश हो जाते हैं, पुण्य दान सब करते हैं। आपके लिए पुण्य क्या होगा, एक दूसरे इनफर्टाइल कपल को IVF करवाओ और उसको बच्चा देखो। जयपुर में भी इट्स रनिंग वेरी वेल। हमारा दूसरा सेंटर, एक था सी स्कीम पर छोटा पड़ रहा था तो हमने वैशाली नगर में दूसरा डाला। दैट वॉज जस्ट इन आई थिंक ऑगस्ट सेप्टेम्बर वी डिड इट, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। और अभी जयपुर में ही तीसरा स्पोक और एक बम्बई में और लखनऊ में सेंटर डालना है। बम्बई का तो मार्च तक और लखनऊ का मई तक शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी IVF के बारे में देर आर सो मेनी मीथ एंड फैक्ट्स ऑल्सो, सो टेल मी व्हाट इज द मीथ्स एंड फैक्ट्स। लकीली अभी थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, पर पहले तो IVF में फर्स्ट मिथ इज के बहुत पेनफुल होता है। नहीं, ट्रू और नॉट? नहीं, छोटे इंजेक्शन लगते हैं। दूसरा, बेड रेस्ट, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे। नहीं, ट्रांसफ़र के बाद एक दिन 24 घंटा आराम करो, फिर रूटीन घर का काम। हाँ, भारी वजन, एक्सरसाइज, भागा दौड़ी वो नहीं करो, पर रूटीन अपना सब काम करो। ऐसा नहीं कि जॉब से भी छुट्टी ले ले, ऐसा नहीं है। तीसरा है कि IVF में ट्विंस ही होते हैं, ऐसा नहीं एक ब्लास्टोसिस डालो एक भी हो जाता है। अगर आपको चाहिए ट्विंस तो दो रखेंगे। और एक जो बहुत गलत बात सबके माइंड में है, एक मिथ है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, इसमें किसी का एग या किसी का स्पर्म डाल दिया। लोगों को वो गारंटी चाहिए कि मेरा ही स्पर्म होगा शुक्राणु, मेरा ही एग होगा। तो यस, अभी तो कानून बन गया है, ये आपके एग और आपके स्पर्म से ही बच्चा है। अगर हमको लगे कि एग खराब है, स्पर्म वीक है और हमको बाहर का यूज़ करना है, तो पहले आपको काउंसलिंग करना, समझाना, बाद में आपका कंसेंट होगा कि हाँ मैं कंसेंट देता हूँ या देती हूँ और कपल का, तो ही हम दूसरा एग या दूसरा स्पर्म यूज़ करेंगे। और लास्ट में आती है खर्चे की बात। तो लगता है बहुत महंगा है, 5-6 लाख ऐसे चले जाएंगे, रिजल्ट नहीं आया तो पानी में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, आप जाओ पहले पैकेजेस समझो, हमारे यहाँ आओ तो 1.5 लाख है, 35 है, 1.65 है, इंजेक्शन ज़्यादा यूज़ हुए तो थोड़ा ज़्यादा। और अगर आपको IVF की ज़रूरत है तो थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। खर्चा नहीं करोगे तो देन IVF नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगा और हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने बोला, EMIs भी है, पार्ट पेमेंट्स भी है, वो सब का फ़ायदा ले लो। जैसे अभी फ्रीजिंग का बहुत चल रहा है कि आज मैंने IVF किया, फिर एम्ब्रियोस फ्रीज कर देते हैं, फिर 2 महीने के बाद डलवाते हैं, तो आधा खर्चा अभी तो डलवाने के टाइम, दूसरा आधा आप कमा भी लोगे, आपका बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा। इसको हम पेशेंट फ्रेंडली IVF बोलते हैं, वो भी हम बहुत करते हैं।
अच्छा, ये IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या अंतर है क्या? IVF इज टेस्ट ट्यूब बेबी, लेमेन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शुरुआत में टेस्ट ट्यूब में होता था कि एग भी डाले और स्पर्म, अभी तो पेट्री डिश में हो रहा है। तो इन विट्रो बाहर जो हम फर्टिलाइज, ट्यूब में होता है वो इन विवो शरीर में, बाहर करते हैं उसको इन विट्रो, क्योंकि हम एग वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो अंदर है वो अंदर रहता है। एग निकाल, देखो लेडी को पहले दिन से इंजेक्शन लगेंगे, बीच में एक बार छठे दिन पे, नौवे दिन पे सोनोग्राफी, बारहवें दिन पे अंडे निकालेंगे, तब एनेस्थीसिया देके नीचे से ही स्टिच नहीं आता, कट नहीं होता, 3 घंटे के बाद छुट्टी, शाम से अपना काम कर ले, और उसी टाइम हम स्पर्म लेंगे और एक पेट्री डिश में माइक्रोस्कोप के अंडर जो अंडा निकाला है उसको स्पर्म उस पर डालेंगे, उसको IVF। अगर हम एक अंडे के अंदर एक स्पर्म का इंजेक्शन करते हैं उसको ICSI। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये IVF और ICSI में अंतर है। अच्छा, और एक बात है कि ये जो IVF है, और जब जैसे आपने बताया कि ICSI, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, बट व्हाट इज द एज लिमिट फॉर IVF? क्योंकि ऐसे बहुत से कपल्स है जो ये सोचते कि अरे अब मैं एज बार हो गया मेरा, तो अब मैं नहीं कर सकता। देखो, नया कानून आया उसके हिसाब से 21 टू 50 इयर्स लेडीज़ के लिए और 21 टू 55 मेन के लिए। पर लेडीज़, मेन का तो स्पर्म हर 2 महीने पे नया बनता है, 50-60 जो भी उम्र है, पर लेडीज़ का एग्स बाय बर्थ रहता है और वो 32 के बाद कम होने लगता है, 35 के बाद ख़राब भी हो जाता है। अच्छा। तो 40-45 तक तो ठीक है, 40 के बाद चांसेस कम होते हैं, उसके एग से होने ही होता तो लास्ट में डोनर पे जाना पड़ता है, पर 45 टू 50 में तो डोनर का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे हमने बहुत कपल्स की, हाँ 48 पे भी आते हैं, हेल्थ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस सही है, तो अंडा बाहर से लो, हस्बैंड के स्पर्म से एम्ब्रियो बना दो और वो यूट्रस में डाल दो, तो उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसे बहुत से क्रूशियल ऑपरेशंस भी आपने किए होंगे जो आपकी पूरी उधर मेहनत लगी होगी, स्टडी किया होगा। बहुत ऐसे केसेस है कि जिसमें बोल दिया है कि अभी बच्चा होगा ही नहीं, अडॉप्ट कर लो, सरोगेट करो, उसमें भी खुद को प्रेगनेंसी रुक के बच्चा करवाया है। सो दैट ऑल एडवांस टेक्निक्स एंड हाउ वी आर एडवांसिंग। और एक बात, व्हाट इज सरोगेसी? सरोगेसी क्या है ये भी समझा। सरोगेसी क्या होता है कि कितनी लेडीज है, 1 in 4000, 4000 में से एक लड़की ऐसी है, नीचे आप देखें उसका बाई बर्थ यूट्रस नहीं है, तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो वो लेडीज़ को अभी यूट्रस ट्रांसप्लांट तो सक्सेस इतना नहीं है, बहुत उसके रिजल्ट नहीं है, तो उसको अगर खुद के अंडे से, भगवान ने ओवरी दी है पर बच्चेदानी देना भूल गए, तो उनके लिए सरोगेट है। या तो किसी को टीबी हो के बच्चेदानी पूरी ख़राब, या तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, या तो बार बार मिसकैरेज 5 महीने पे हो जाता है, बच्चे का वजन नहीं झेल सकते, या तो खुद का कार्डियक प्रॉब्लम है लेडीज़ का, या तो किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उन सबको एग उनके निकाल के हस्बैंड के स्पर्म से भ्रूण बनाए, तो जेनेटिकली खुद का बच्चा है, पर उसके यूट्रस में डालने की जगह हम दूसरी लेडी जो सरोगेट मदर बोलते हैं उसकी बच्चेदानी में डालते हैं, वो कैरी करती है, प्रेगनेंसी रुकती है, 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है तो वो बच्चा जो कपल का भ्रूण था उसको वापस दे देती है। ये सरोगेसी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सारे IVF ऑपरेशन किए, टेक्निक द्वारा बहुत सारे संतानों ने भी जन्म लिया है, वो संतान जब बड़े होके आपके पास कभी आपको मिलने के लिए आए हैं? बहुत आए हैं, और मेरा सबसे पहला, और तब क्या फील होता है जब जो पहले वो चाइल्डलेस कपल रहते हैं, आप फिर IVF टेक्निक करते हो, फिर उनको संतान होती है, और फिर वो दोनों संतान के साथ अपने यहाँ आते हैं, फिर क्या होता है? अरे इतने सारे कपल्स ने अपनी लड़की का नाम नैना रखा है, लड़के का नाम नयन, आज भी नैना का मैसेज आ जाता है, क्या कर रहे हो डॉक्टर आंटी, तो उसका नाम मैंने बोला क्यों नैना रख रहे हो, तो कि नहीं हमको नैना, अभी कहीं कॉलेज में जो कोई हो गए कोई कितने। और जो मेरा फर्स्ट सरोगेसी केस था जो ग्रैंड मदर ने किया था, अच्छा लड़की का बच्चेदानी नहीं था, हाँ। वो UK में उसकी शादी हुई थी, वहाँ बोला सरोगेसी, पर सरोगेट भी नहीं मिलती, बहुत एक्सपेंसिव, तो उसकी माँ उस टाइम 46 ईयर्स की थी, हाँ। वो बोली मैं उसकी सरोगेट बनूंगी, और उसने ट्विंस लड़का लड़की को जन्म दिया। दैट इज एक्सेप्शनल केस, वेरी एक्सेप्शनल, फर्स्ट इन एशिया एंड 5th इन द वर्ल्ड, जब 2008 2000 एंड
4 जनवरी में बर्थ हुआ, 2003 में मैंने किया। यू डन दैट सरोगेसी? यस, दैट इज द फर्स्ट इन द एशिया। तो वो बच्चे कभी 18 साल के हुए तो इंडिया आए, मुझे मिलने आए, कोविड के पहले ही आई थिंक। तो उस टाइम तो बहुत इसका हुआ था कि डॉक्टर्स अपने आप को भगवान समझ रहे थे, गलत है ये, कैसे अपने सन इन लॉ के एम्ब्रियोज पर उसकी लड़की के कर सकते हैं। तो वो जो दोनों मुझे मिलने आए लंदन से, मदर भी आई, नानी माँ भी आई जिसने ये किया था। तो वो लड़का क्या बोला, उसने मेरे पैर टच करके बोला कि डॉक्टर मैं तो आपको भगवान मानता हूँ, कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं की होती तो मैं और मेरी बहन ये दुनिया में आए ही नहीं होते। तो लोगों को जो बोलना है बोले। और एक और बात भी की कि आई लव माई मदर, मैं अपनी मदर को बहुत प्यार करता हूँ, पर आई अडोर एंड वर्शिप, मैं मेरी नानी है जो मदर की मदर, उसकी मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि वो सरोगेट बनी तो मेरी माँ को दो बच्चे हुए और हम आए और मेरी माँ की लाइफ खुशी से बदल गई। तो ही इज़ लिटरली वर्शिपिंग हिज ग्रैंड मदर। दुनिया बोल रही थी कि ये क्या है, बहुत ख़राब चीज़ है, पर जाके उस घर में देखो कितनी खुशी है। और दो लड़के लड़की अभी 18 साल में क्या सोच रहे हैं। सही बात। देवर सेइंग के ये कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा अपनी माँ कौन, नानी कौन। हाँ। तो वो तो बोले खुश है, हमको तो दो दो माँ है। सही बात है। यस, थैंक्स मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से और सीधे साधे भाषाओं में हमें समझाया कि IVF क्या है। हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनमें भी बहुत सारे चाइल्डलेस कपल रहेंगे, तो वो एक ही अब बात ध्यान में रखे जो अभी मैडम ने बताया है, खर्चों का टेंशन मत लीजिए, इधर आप आ सकते हो, इंस्टॉलमेंट भी इधर है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मिथ जो है, जो भ्रम है इस IVF के बारे में, वो भी मैडम ने दूर किया है। सो धन्यवाद मैडम, आपने हमारे साथ बातचीत की और IVF क्या है, ICSI क्या है, ये पूरा डिटेल में समझाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। सो ये थी डॉक्टर नैना पटेल, जिन्होंने कई सारे चाइल्डलेस कपल के जीवन में संतान लाके IVF द्वारा आनंद दिया है, उनको आनंद दिया भी और आनंद खुद लिया भी। अगर आपको भी आनंद चाहिए, अगर आप चाइल्डलेस कपल हो, तो सीधा जीविया IVF में आइए और डॉक्टर नैना पटेल पे भरोसा कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में एक संतान और उसके साथ आनंद भी दौड़ेगा। देखते रहिए सिटी नाउ। पुण्यासह पिंपरी चिंचवड मध्ये विविध केबल नेटवर्क वर पाहता येणारं एकमेव लोकल चॅनल सिटी नाउ, GTPL 469। या तो मैरिज करने के बाद सोचती है कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ, करियर बना दूँ, उसके बाद में रखूँ, या तो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाने से झिझकते हैं, उनको नहीं जाना है, वो बोलते हैं सबको होता है, मेरा क्यों नहीं होता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, खाने की जो आदतें हैं बदल गई है, एक्सरसाइज नहीं रहा, और सबसे बड़ा कल्प्रिट तो सोशल मीडिया भी हो चुका है अभी, कि हस्बैंड वाइफ एक रूम में है पर दोनों अपने व्हाट्सएप पे है, एक दोनों के साथ फिजिकली नहीं है। इन सब चीज़ों से क्या हुआ है कि जो एग्स है मेन में क्या होता है, पुरुष में, कि जो वीर्य का पानी है, जंतु है, स्पर्म्स है, वो हर 2 महीने 50-60 साल तक नए बनेंगे। लेडीज में जन्म से ही बाई बर्थ उसकी जो ओवरीज अनपिंड रहती है उसमें एग्स भगवान ने दिए हैं, वो नए नहीं बनते। तो 32 के बाद कम और 35 के साल बाद को बहुत खराब हो जाते हैं। तो इसी वजह से अभी देख रहे हैं कि एग्स जो पहले 38-40 तक अच्छे रहते थे, वो अभी 32-31-30 में खराब होते हैं और कम हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि अभी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। क्या आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है? आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपके अंडकोश में यानी कि ओवरी में एग्स कम हो गए हैं, खराब हो गए हैं, और आप अपने खुद के एग से मां नहीं बन सकती, आपको किसी और का अंडा लेना पड़ेगा। आप ये नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, तो क्या इसका उपाय है? इसका उपाय है ओवेरियन रिजुविनेशन। जैसे आपकी जो ओवरी है उसको हम फिर से युवा बना दें। स्त्री को क्या होता है, जन्म से ही
अंदर ओवरी में अंडकोश में एग्स होते हैं, हाँ, पर साथ साथ बाहर कॉर्टेक्स में सुषुप्त एग्स भी होते हैं जिनको हम रिजुविनेट करेंगे। कैसे करेंगे? हम आपका ब्लड लेंगे, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और ऑटोलोगस ब्लड सेल डेरिवेटिव्स निकालेंगे 30 ml जितना ब्लड लेके, और सोनोग्राफी करके ओवरी के अंदर दोनों में इंजेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स निकलेंगे और आपकी ओवरी के अंदर जो एग्स डोरमेंट यानी सुषुप्त पड़े हैं उसको एक्टिवेट रीजनरेट कर देंगे। ये सेम तरीका हम लैप्रोस्कोपिक करके भी आपके दोनों अंडकोश में ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और ABCD डाल सकते हैं, जिससे कि आपका एग का क्वालिटी अच्छा बन सकता है, एग के नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, AMH जो लो हो गया है वो भी इम्प्रूव हो सकता है, और आपके खुद के अंडे से आप माँ बन सकती है। दूसरा तरीका है बोन मैरो में से सेल कॉन्सेंट्रेट निकाल के। तो जैसे अपने थापे की हड्डी होती है वहाँ से हम बोन मैरो निकालेंगे, उसके सेल कॉन्सेंट्रेट बना देंगे, और वो भी अल्ट्रासाउंड की मदद से ट्रांसवजाइनली एनेस्थेशिया देके दोनों अंडकोश में डालेंगे, या तो लेप्रोस्कोपी करके दोनों ओवरी में डाल देंगे। बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर मिलता है और इसका रिजल्ट ब्लड PRP से ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा तरीका है ओवेरियन टिश्यू एक्टिवेशन, जिसमें हम लैप्रोस्कोपी करके ओवरी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स जिसमें सुषुप्त एग्स रहते हैं उसको निकालते हैं, उसको लेबोरेटरी में ट्रीट करते हैं कट करके छोटे छोटे पीसेस OTA, ये डेनमार्क और जापान की पद्धति है, और फिर हम उसी लैप्रोस्कोपी के टाइम ओवरी में वापस डाल देते हैं। तो ये तीन तरीके से हम आपकी ओवरी को रिजुविनेट करेंगे, फिर से युवा बनाएंगे और आपको अपने खुद के अंडे से माँ बनाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द नंबर्स दैट आई एम डिस्प्लेइंग बिलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर गिरिराज स्वर्णकार, कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ZVIVF जयपुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो इनफर्टिलिटी कपल्स को बहुत ही कॉमनली फर्टिलिटी क्लिनिक्स में एडवाइस किया जाता है, यानी कि IUI ट्रीटमेंट के बारे में। IUI ट्रीटमेंट के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या इनके प्रीरिक्विजिट्स हैं, कौन सी ऐसी जाँचें हैं जो IUI ट्रीटमेंट से पहले मरीजों को करानी चाहिए और जो नॉर्मली हम लोगों को देखनी होती है, किस तरह से IUI का ट्रीटमेंट किया जाता है और कितना इसका सफलता का प्रतिशत रहता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि IUI का ट्रीटमेंट क्या होता है, IUI का ट्रीटमेंट जो है उसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की अगर बात करें तो वो नेचुरली ही होता है। इस ट्रीटमेंट में हम लोग जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है कि एग और स्पर्म का जो मिलना है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और उसी चीज़ के ऊपर जो IUI ट्रीटमेंट की जो सफलता है वो निर्भर करती है। तो प्रीरिक्विजिट्स की मैं बात करूं, जैसा मैंने बताया कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरल है, तो फीमेल उसमें ओव्यूलेशन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो दोनों ओपन होनी चाहिए, वो रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए, या तो पेशेंट की HSG की रिपोर्ट हम लोगों ने देखी हो या फिर दूरबीन जाँच लेप्रोस्कोपी पद्धति से उसकी ट्यूब्स की जाँच की गई हो। थर्ड थिंग, एंडोमेट्रियम जो है वो अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, ताकि अगर जो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो एम्ब्रियो बनेगा उसके निषेचन के, उसके इम्प्लांटेशन के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी, मैं मेल पार्टनर की अगर बात करूं तो मेल पार्टनर में या तो नॉर्मल सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर माइल्ड मेल फैक्टर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में हम IUI का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ होती है कि फिजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कपल्स जिनको आपस में संबंध बनाने में, रिलेशन बनाने में समस्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मेल पार्टनर है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है या फिर प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की समस्या है, तो समय पर इजेकुलेशन और सही जगह पर वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फीमेल पार्टनर जिनके अंदर वेजिनिस्मस की समस्या है, जैसे उनको संबंध बनाने के समय अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है और वो प्रॉपर रिलेशन जो है वो नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों के अंदर IUI का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा, इनफर्टाइल कपल्स, फर्स्ट इंडिकेशन जो है वो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का। ऐसे मरीज, ऐसे कपल्स जिनमें इनफर्टिलिटी इवेल्यूएशन के दौरान किसी भी तरह की समस्या नहीं पाई गई है, जैसा हमने बात किया कि पेशेंट ओव्यूलेट हो रही है, फेलोपियन ट्यूब्स उनकी नॉर्मल है और यूट्रस की स्ट्रक्चर भी उनकी नॉर्मल है,
मेल पार्टनर में भी सीमन एनालिसिस नॉर्मल है या माइल्ड मेल फैक्टर है, तो ऐसे मरीजों में जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों में IUI का ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होता है। किस तरह से IUI का ट्रीटमेंट किया जाता है? IUI ट्रीटमेंट के अंदर पहले जैसा मैंने बताया कि ओव्यूलेशन देखना है, उसको टाइम करना है, उसके लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन फीमेल पेशेंट को दी जाती है और उसको मॉनिटर किया जाता है कि उसका एग जो है किस तरह से मैच्योर हो रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, वैस्कुलरिटी कैसी है। अगर रिक्वायरमेंट है तो टैबलेट्स के अलावा इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं जो ओवा की ग्रोथ को और अच्छे से बढ़ाते हैं और क्वालिटी ऑफ एग भी देखा गया है कि वो इम्प्रूव होता है। जब एग मैच्योर होता है उस समय रप्चर होने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उससे टाइम करके IUI का प्रोसेस किया जाता है। जिस दिन IUI का प्रोसेस होता है उस दिन मेल पार्टनर से सीमन सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसे लैब में प्रोसेस किया जाता है। जो मोटाइल स्पर्म्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं और जो अवांछित पार्ट मैं कहूँगा सीमन का जो है, जैसे कि डेड स्पर्म्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, उनको सेपरेट करके हटा दिया जाता है और वो जो अच्छे क्वालिटी के मोटाइल स्पर्म्स हैं उन्हें फीमेल के गर्भाशय के अंदर एक प्लास्टिक के कैथेटर के थ्रू इंस्टिल कर दिया जाता है। तो जो दोनों की प्रॉक्सिमिटी है, ओवा और स्पर्म की, वो बढ़ गई है, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि जो संभावना है फर्टिलाइजेशन की वो भी बढ़ेगी। ये जो प्रोसेस है एक आउट पेशेंट बेसिस पर ही किया जाता है, पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस में नहीं रहती है। स्टिमुलेशन जो मैं कहूँ, ओव्यूलेशन जो है लगभग 10वें 12वें 14वें दिन तक पेशेंट के अंदर डॉक्यूमेंट किया जाता है, तब तक उसे मॉनिटरिंग में रहना पड़ता है और जब रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है उसके 34 से 35 घंटे बाद ये प्रोसेस अपन IUI का करते हैं। IUI का प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को 14 दिन की मेडिसिन दी जाती हैं जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट देखा जाता है। सफलता के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो IUI का सक्सेस रेट लगभग 12 से 15 प्रतिशत है और इंजेक्टेबल गोनेडोट्रोपिन्स यूज़ करने के साथ, बिकॉज हमने जैसा देखा है कि एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो सफलता का प्रतिशत 1 या 2% और ज़्यादा बढ़ सकता है। ग्रोसली अगर हम देखें तो लगभग हर 5-6 कपल जिनको IUI का ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है उनमें से एक कपल को सफलता हाथ लगती है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गिरिराज स्वर्णकार, कंसल्टेंट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ZVIIVF जयपुर। एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ विगत वर्षों में जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का जो अनुपात है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका किसी भी पुरुष की फर्टिलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और उन पुरुषों को जो भी अपनी फर्टिलिटी से कंसर्न है उन लोगों को वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सर्वप्रथम अगर हम बात करें हमारी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ी हुई चीजों की, तो ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ने के साथ लोगों में इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। दरअसल मोटापे के साथ जो टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है उसका कन्वर्जन फीमेल हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन के अंदर ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को इनफर्टिलिटी के साथ साथ नपुंसकता यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा, हम अगर बात करें स्मोकिंग, धूम्रपान और तंबाकू सेवन की, इन चीजों के सेवन के साथ पुरुषों में ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा होता है क्योंकि शरीर में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्पर्म का DNA भी डैमेज होता है और अल्टीमेटली स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म के नंबर और उसकी मॉर्फोलॉजी सभी चीजों में गिरावट आती है जो कि हम लोग सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट का एनालिसिस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और प्रोफेशनल फैक्टर्स की। एनवायरमेंट में भी कुछ लोगों का ऐसा प्रोफेशन होता है जहां उनका एक्सपोजर रहता है बहुत हाई टेम्परेचर्स को, पेस्टिसाइड्स को, सर्टेन केमिकल्स को, चाहे वो इनहेलेशनल हो या फिर उनके कॉन्टेक्ट के थ्रू हो, लेकिन इन चीजों के एक्सपोजर से उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है
वो अफेक्ट होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस उन लोगों में प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनमें शुक्राणुओं की कमी और शुक्राणुओं की जो गति है उसमें कमी देखी गई है। कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस होते हैं जहां हम बहुत लंबे समय तक सिटिंग देते हैं, लैपटॉप्स का यूज करते हैं और अपनी गोद में लैपटॉप को यूजुअली हम रख के बैठते हैं। नेचुरली जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो स्क्रोटम में तभी अच्छे से हो पाता है जब स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कुछ कम हो, लेकिन हाई टेम्परेचर एक्सपोजर होने पर स्पर्म का प्रोडक्शन अफेक्ट होता है और ऐसे लोगों में इनफर्टिलिटी की समस्या देखी गई है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कुछ फूड एंड एडिबल्स की। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके ज्यादा कंजप्शन से लोगों में स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड मीट होता है, ऐसे फूड से भी लोगों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी फर्टिलिटी को डिक्लाइन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि खाना पकाने के जो बर्तन हैं उनमें एल्यूमिनियम का यूज करने से हमारे खाने से जिंक का रिप्लेसमेंट हो जाता है और जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो वो भी चीज हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्डली मैं बात करूंगा अल्कोहल के बारे में। स्टडीज में, शोध में ऐसा बताया गया है कि अधिक मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करने से गोनेडोट्रोपिन का जो कंजप्शन है और जो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पुरुषों को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है और कुछ पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी इस वजह से पैदा होते हैं। चौथा मैं बात करूंगा कुछ ड्रग्स के बारे में। कुछ लोग जानते हुए या ना जानते हुए अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए कुछ स्टीरोइड्स का या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस का यूज करते हैं। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन जो हमारे शरीर में होता है वो न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल में होता है। बाहरी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेने से जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो शरीर में कम और बंद भी हो जाता है। इस वजह से भी लोगों को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। इवन कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट में बिल्कुल नील शुक्राणु यानी कि एजोस्पर्मिया की समस्या भी इस वजह से देखी गई है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी पुरुष को अवॉइड करना चाहिए अगर वो ट्राई कर रहे हैं एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए, या फिर उनके इनफर्टिलिटी इवेल्युएशन के दौरान मेल फैक्टर में कुछ कमी पाई गई है।
Like, comment, and subscribe. मैं हूँ डॉक्टर रिचाइना नियालूवालिया, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट जीविया आईवीएफ जयपुर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी फर्टिलिटी की जांच क्यों और कैसे करानी चाहिए। पहले मैं जवाब देती हूँ क्यों का। क्यों इसीलिए क्योंकि जो अभी वर्ल्ड ओवर इनफर्टिलिटी की रेट्स है वो बहुत ही इंक्रीज हो रही है। इट इज़ एज कॉमन एज 15%, है ना। क्यों हो रही है ये चीज़? बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, मेनली lack of exercise, junk food, alcohol, smoking, recreational drugs कह लो, then you know बहुत ही stressful life है अभी, plus late marriages हो रही है, late child bearing हो रही है, ऐसे बहुत से common causes हैं। अगर आपको अभी बच्चे नहीं करने, या for that matter अगर आपको शादी भी नहीं करनी, तब भी आपको अपनी fertility की जांचें कराना एक बार ज़रूरी है। क्यों? स्पेशली फॉर फीमेल्स, इसीलिए क्योंकि जो अपना ओवेरियन रिजर्व है वो एज के साथ कम होता जाता है। ओवेरियन रिजर्व मतलब कि जो फीमेल्स वी आर बॉर्न विद अ सेट नंबर ऑफ एग्स, राइट, तो वो एज के साथ जो नंबर ऑफ एग्स है वो फॉल ही होते हैं। आफ्टर 30 जो फॉल होने की रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, एंड आफ्टर 35 क्वान्टिटी के साथ साथ क्वालिटी भी खराब होती है। तो इवन अगर आपको लेट मदरहुड अपनाना है या लेट मदर बनना है और आपको एग फ्रीजिंग करानी है, तो उसकी भी एक एज है विच इज़ 35 और बिफोर, क्योंकि जैसे मैंने बताया 35 के बाद क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको लेट मदरहुड कराना है एंड यू वांट टू गो फॉर एग फ्रीजिंग, देन आल्सो द एज इज़ 35 और बिफोर। अगर आपको ओवेरियन रिजर्व खराब हो रहा है, देन दिस इज़ द टाइम टू गो फॉर एग फ्रीजिंग। अब ओवेरियन रिजर्व हम टेस्ट कैसे करते हैं? बेसिकली जस्ट टू टेस्ट है, एक आपके पीरियड का डे टू का ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी या स्कैन जो हम लोग करते हैं, उसमें हम दोनों ओवरीज में कितने AFC है उससे थोड़ा सा आइडिया, एंट्रल फॉलिकल काउंट है उससे थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। सेकेंड टेस्ट इज एंटी मोलेरियन हॉर्मोन इन योर ब्लड। ये साइकिल इंडिपेंडेंट होता है, इसमें डे टू डे फोर ऐसे कोई स्पेसिफिक डे पे आते की ज़रूरत नहीं, आप अपनी साइकिल की किसी कोई भी डे पे करा सकते हैं। राइट, नाउ कमिंग टू द मेल पार्टनर्स, मेल पार्टनर्स में भी अभी जो मेल इनफर्टिलिटी है दैट इज़ ऑन अ ड्रास्टिक इंक्रीज। अगेन जो रीजंस है दोज आर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। उसमें क्या टेस्ट कराने, बहुत ही सिंपल है विच इज़ अ सिंपल सिमेन एनालिसिस। बेटर है अगर आप सिमेन एनालिसिस के साथ साथ DFI करवाएं विच इज़ DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, जो आपका स्पर्म में जो DNA है उसका डैमेज टेस्ट करती है। क्यों करवाना है? क्योंकि एज के साथ साथ तो DFI बढ़ता ही है, उसके साथ साथ अगर लाइफस्टाइल भी पुअर है तो DFI जो DNA डैमेज है वो बढ़ सकता है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू पॉइंट इज, अगर आपने एक बार सिमेन एनालिसिस करवा लिया वो नॉर्मल आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिंदास हो जाए। आपको थोड़े इंटरवल के बाद दोबारा एक बार ही एनालिसिस करवाना चाहिए। अगर जो काउंट है उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब कि वो काउंट धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप भी सिमेन फ्रीजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको लेट फादर बनना है तो आप भी सिमेन फ्रीजिंग करवा सकते हैं। ये जो फ्रीजिंग है, एग फ्रीजिंग है, सिमेन फ्रीजिंग है, इसको बहुत लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं, बट इट इज़ नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर साइंस, राइट। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप अपनाएं, और अपना पेरेंटहुड आपको कब अपनाना है उसका डिसीजन आप भले लेटर ले सकते हैं, बट अगर आपको लेटर पेरेंट बनना है तो एक बार एटलीस्ट अपनी फर्टिलिटी की टेस्ट ज़रूर करवाएं। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर रिचा एनानी आलूवालिया, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट GVIVF जयपुर। एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैंने देखा है कि जो इनफर्टिलिटी की रेट्स है वो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। ब्लेम इट ऑन दी अर्बन लाइफस्टाइल, जिसमें लोग स्मोक, अल्कोहल, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, या फिर एज वीमेन वी आर नाउ मोर करियर ड्रिवन, मैरिजेज लेट हो रहे हैं, ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आज बात करूँगी कि अगर आप नेचुरली प्रेगनेंट होना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है, या किन किन बारों में अवेयर रहना ज़रूरी है।
सबसे पहले कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है या जो प्रेगनेंसी के पीछे का जो साइंस है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता रहना कि कौन से डेज है जिसमें आपको ट्राई करना चाहिए, एक साइकिल का सक्सेस रेट नेचुरली ट्राई करने पे क्या होता है एक्सेट्रा। अगर एक कपल है जिसमें सब कुछ दोनों पार्टनर्स में सब नॉर्मल है, उनकी फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो भी द चांसेस आर ओनली 20% के वो एक साइकिल में प्रेग्नेंट होंगे। मतलब कि अगर चार कपल हैं उसमें से सिर्फ एक ही कपल होगा जो एक साइकिल ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो पाएंगे। इसीलिए आपने धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है एंड यू हैव टू ट्राई फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months नेचुरली। जो अगर आप नहीं हो पा रहे हैं जिसके बाद प्रेग्नेंट, तो आप एक फर्टिलिटी डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। जो दूसरी चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो मतलब कि जो एक 28 to 30 days की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसमें कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें अगर हस्बैंड और वाइफ साथ रहे, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे, तो प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है वो बेसिकली जिनकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं उन फीमेल्स में 13th to 15th day पे ओव्यूलेशन होता है, वो अंडा फूट के ट्यूब में आता है। उसी टाइम अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहें तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो भी एक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अराउंड 3 to 5 days तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद में, ये पूरे पीरियड को हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं। तो अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं 28 से 30 दिन की है, तो 10th day से लेके 18th day तक, फ्रॉम day 10 to day 18 इज़ योर फर्टाइल विंडो। उस विंडो में आपने हर ऑल्टरनेट डे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखना है टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। इसी के साथ ये चीज़ के बारे में भी अवेयर होना ज़रूरी है कि अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं या आपकी पहले जो सोनोग्राफी वगैरह टेस्ट और हो रखी है उसमें कोई डिजीज़ बताई है, एंडोमेट्रियोसिस है, PCO है, कोई ट्यूब की डिजीज़ है, कोई पहले पेल्विक सर्जरी या गायनी सर्जरी हो रखी है, या आपके हस्बैंड में भी कोई पहले सर्जरी हो रखी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो प्राइवेट पार्ट्स में, तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अपने बेसिक इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी वो है कि फीमेल्स को स्पेशली प्रिपेयर करनी चाहिए अपनी बॉडी एटलीस्ट 3 months बिफोर कंसेप्शन। एक आपको अपने जो भी फैमिली डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से प्री कंसेप्शन काउंसलिंग लेना चाहिए, जिसमें वो कुछ प्रीनेटल विटामिन जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन डी ऐड कर सकते हैं, और कुछ एक बेसिक इवैल्यूएशन जैसे थायराइड हो गया, एक बेसिक स्कैन हो गया, वायरल मार्कर्स हो गए, इन सब की टेस्ट करवाएं। साथ ही हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपनी लाइफस्टाइल एटलीस्ट 2 months बिफोर कंसीविंग बहुत ही अच्छी करें, जिसमें आप एक रेगुलर वर्कआउट रूटीन ऐड करें, अबाउट 45 minutes a डे एक्सरसाइज इंक्लूड करें एटलीस्ट फॉर 5 days a week, ड्राई फ्रूट्स ले, आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले, जंक फूड बंद कर दे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आप कुछ भी करके अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, जैसे जो भी हॉबी आप फॉलो करना चाहे, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग टू म्यूजिक, डांसिंग, एनीथिंग दैट काम योर नर्व्स, यू कैन फॉलो दैट, लाइफस्टाइल बेटर करें ओवरऑल। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनमें आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर तो फीमेल की एज 35 years से ज़्यादा है, तो आपने विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, 6 months इज द टाइम दैट यू शुड ट्राई नेचुरली। अगर 6 months में कंसीव नहीं होता है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आप फीमेल की एज 30 years से कम है तो आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं, और अगर 1 साल में कंसीव नहीं होता है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। बट ये जो एज के बारे में अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विथ एज जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम होता चला जाता है। साथ ही में मेल पार्टनर्स में जो स्पर्म का DNA होता है उसका डैमेज विथ एज बढ़ता चला जाता है, इसीलिए आफ्टर अ स्पेसिफिक एज कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको पता है कि आपको कौन से दिनों में ट्राई करना चाहिए, एक साइकिल में ट्राई करने के चांसेस क्या रहते हैं, और ट्राई करने से पहले क्या क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाने चाहिए। अगर इस टॉपिक पे आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रिचा एनानी अलुवालिया, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट ZB IVF जयपुर। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ओव्यूलेशन।
how to calculate your day of ovulation and what are the best days to try and conceive to maximize your chances of pregnancy. Coming to what is ovulation? Ovulation is when a mature egg is released from the ovary into the fallopian tubes so that the egg is available for the sperms to fertilize and make a baby. Now, how to calculate when are you ovulating? So what happens is, the process of ovulation divides your menstrual cycle into two phases. The phase before ovulation is known as the follicular phase, and the phase that happens after ovulation, that is known as the luteal phase. So whether your cycle is 35 days or 30 days or 28 days or 25 days, the luteal phase is fixed for all the females. Okay, what is variable is the follicular phase. So how to calculate your day of ovulation is, you just have to subtract 14 days from your length of the cycle. So suppose if your cycle length is 35 days, you subtract 14 from it and you will get your day of ovulation. If your cycle length is 28 again, you subtract 14 and you will get your day of ovulation. Now you know what is your day of ovulation, right? So what are the best days when you can try and have unprotected intercourse with your partner so that you maximize your chances of pregnancy? Now, to understand what are the best days for you to try and get pregnant, you need to understand that the egg that is released at the time of ovulation into the tubes can survive in your body only for 24 to 36 hours. Whereas the sperms that are introduced in the female genital tract, they can survive for about 4 to 5 days. So when you ovulate, okay, 3 to 4 days before that, and one including the day of ovulation, and 1 to 2 days after that. These 5 to 6 days, these are the most fertile period in your cycle. As I explained, because of the survival of the egg and the survival of the sperms. This is the best time that you should have unprotected intercourse with your partner to maximize your chances of pregnancy. Also, if you want to avoid pregnancy, this is the most important time that you should use contraception so that the chances of pregnancy are avoided. Now, what are the symptoms of ovulation? You need to understand the symptoms of ovulation as well, because not only the ovulation varies from female to female, it also varies from cycle to cycle in a single female, right? So you should be aware about the symptoms. The symptoms that happen during ovulation are not because of the rupture of egg. It is because with the egg, there is a fluid surrounding the egg that is released into the abdominal cavity. This causes the symptoms, which is you might have slight dull aching pain, which may be situated in the right side or the left side, accordingly which ovary is ovulating. And there may be a slight rise in your body temperature. And there is less sexual desire at that time of the pregnancy because of the release of progesterone that prepares your uterus for implantation. So these are the most basic signs and symptoms of ovulation that you should be aware, so that you know that you are ovulating at this period. I hope that in this video you understand what is ovulation, what are the symptoms of the ovulation, and what is the best time that you should try to maximize your chances of pregnancy. But still, if you have any doubts and you are not able to understand the ovulation pattern, you can contact me for further consultation. And the first consultation is a free consultation, so do take advantage of that. Namaste, main Dr. Richa Inani Aluwalia, consultant gynecologist at GBIVF Jaipur. एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैंने देखा है कि जो इनफर्टिलिटी की रेट्स है वो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं. ब्लेम इट ऑन दी अर्बन लाइफस्टाइल, जिसमें लोग स्मोक, अल्कोहल, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, या फिर एज वुमेन वी आर नाउ मोर करियर ड्रिवन, मैरिजेस लेट हो रहे हैं. ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ रहे हैं. इसलिए इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी कि अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है, या किन किन बारों में अवेयर रहना ज़रूरी है. सबसे पहले कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, या जो प्रेगनेंसी के पीछे का जो साइंस है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता रहना, कि कौन से डेज हैं जिसमें आपको ट्राई करना चाहिए, एक साइकिल का सक्सेस रेट नेचुरली ट्राई करने पे क्या होता है, एक्सेट्रा. अगर एक कपल है जिसमें सब कुछ, दोनों पार्टनर्स में सब नॉर्मल है, उनकी फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो भी द चांसेस आर ओनली 20% के वो एक साइकिल में प्रेगनेंट होंगे. मतलब कि अगर चार कपल हैं उसमें से सिर्फ एक ही कपल होगा जो
एक साइकिल ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो पाएंगे। इसीलिए आपने धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है एंड यू हैव टू ट्राई फॉर एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स नेचुरली। जो अगर आप नहीं हो पा रहे हैं जिसके बाद प्रेग्नेंट, तो आप एक फर्टिलिटी डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। जो दूसरी चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो मतलब कि जो एक 28 to 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, उसमें कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें अगर हस्बैंड और वाइफ साथ रहे, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे, तो प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है वो बेसिकली जिनकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं उन फीमेल्स में 13th to 15th डे पे ओव्यूलेशन होता है, वो अंडा फूट के ट्यूब में आता है। उसी टाइम अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहें तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो भी एक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अराउंड 3 to 5 डेज तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद में, ये पूरे पीरियड को हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं। तो अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं 28 से 30 दिन की है, तो 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक, फ्रॉम डे 10 टू डे 18 इज़ योर फर्टाइल विंडो। उस विंडो में आपने हर ऑल्टरनेट डे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखना है टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। इसी के साथ ये चीज़ के बारे में भी अवेयर होना ज़रूरी है कि अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं या आपकी पहले जो सोनोग्राफी वगैरह टेस्ट और हो रखी है उसमें कोई डिजीज़ बताई है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओ है, कोई ट्यूब की डिजीज़ है, कोई पहले पेल्विक सर्जरी या गाइनी सर्जरी हो रखी है, या आपके हस्बैंड में भी कोई पहले सर्जरी हो रखी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो प्राइवेट पार्ट्स में, तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अपने बेसिक इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी वो है कि फीमेल्स को स्पेशली प्रिपेयर करनी चाहिए अपनी बॉडी एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन। एक आपको अपने जो भी फैमिली डॉक्टर या गाइनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से प्री कंसेप्शन काउंसलिंग लेना चाहिए, जिसमें वो कुछ प्रीनेटल विटामिन जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन डी ऐड कर सकते हैं, और कुछ एक बेसिक इवैल्यूएशन जैसे थायराइड हो गया, एक बेसिक स्कैन हो गया, वायरल मार्कर्स हो गए, इन सब की टेस्ट करवाएं। साथ ही हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपनी लाइफस्टाइल एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर कंसीविंग बहुत ही अच्छी करें, जिसमें आप एक रेगुलर वर्कआउट रूटीन ऐड करें, अबाउट 45 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज इंक्लूड करें एटलीस्ट फॉर 5 डेज अ वीक, ड्राई फ्रूट्स लें, आप एंटी ऑक्सीडेंट्स लें, जंक फूड बंद कर दे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आप कुछ भी करके अपनी स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, जैसे जो भी हॉबी आप फॉलो करना चाहे, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग टू म्यूजिक, डांसिंग, एनीथिंग दैट काम योर नर्व्स, यू कैन फॉलो दैट, लाइफस्टाइल बेटर करें ओवरऑल। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनमें आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर तो फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपने विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, 6 मंथ्स इज द टाइम दैट यू शुड ट्राई नेचुरली। अगर 6 मंथ्स में कंसीव नहीं होता है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आप फीमेल की एज 30 ईयर्स से कम है तो आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं, और अगर 1 साल में कंसीव नहीं होता है तो आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। बट ये जो एज के बारे में अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विथ एज जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम होता चला जाता है। साथ ही में मेल पार्टनर्स में जो स्पर्म का डीएनए होता है उसका डैमेज विथ एज बढ़ता चला जाता है, इसीलिए आफ्टर अ स्पेसिफिक एज कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको पता है कि आपको कौन से दिनों में ट्राई करना चाहिए, एक साइकिल में ट्राई करने के चांसेस क्या रहते हैं, और ट्राई करने से पहले क्या क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाने चाहिए। अगर इस टॉपिक पे आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योतिमा सक्सेना, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जेबीआई आईवीएफ सेंटर, चाकू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहते हैं, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में कितना रेस्ट करना होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट नहीं करना होता है।
जैसा कि हम पेशेंट को हमेशा समझाते हैं कि जितना हमने आईवीएफ के बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने जितना हॉस्पिटल में रेस्ट करने को बोला है उसके बाद पेशेंट को बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को डिस्चार्ज करते टाइम हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप भारी वजन का काम नहीं करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ना, बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ना, बाल्टी उठाना, हैवी एक्सरसाइज करना, डांसिंग है, एरोबिक्स है, जॉगिंग, ये सब चीज़ें मना करते हैं। घर के रूटीन के काम आप कर सकते हैं, खाना बनाना, आटा लगाना, जो आप रूटीन में करते आ रहे हैं। अगर आप सर्विस पर जाते हैं, आप जॉब करते हैं तो आप जाइए, और अपना सिटिंग अगर वर्क है तो सिटिंग भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब अगर करवट लेने की आदत है तो करवट ले सकते हैं। इस तरह की पोजीशन से एम्ब्रियो का नहीं निकलता है कभी भी। ये एक धारणा है कि ग्रेविटी से एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप अपना रूटीन का काम कीजिए, लेटने से ज़्यादा रेस्ट करने से बल्कि प्रेगनेंसी सक्सेस रेट कम हो जाती है बढ़ने की वजह। ऐसा देखा गया कि करीब 12-13% चांस ऐसे होते हैं कि जिनमें कि प्रेगनेंसी सक्सेस रेट कम हो जाती है। ये होता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस की, वो एक्सेसिव रेस्ट से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो कम हो जाएगी तो उससे इम्प्लांटेशन रेट कम हो जाती है। सेकेंड फैक्टर होता है, जब आप रेस्ट करते हैं तो कंटिन्यूस दिमाग में ये चलता रहता है कि ये पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, आप अपने आईवीएफ के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हो, जिसकी वजह से कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन वो इम्प्लांटेशन को कम करते हैं। और आपको हमेशा ये रहता है कि अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। पेरेंट्स को भी ये बोला जाता है, हम लोग एडवाइस करते हैं कि ये पेशेंट को ना बोला जाए कि आप हमेशा घर में बैठे रहें या आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बेड रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना होता, आप थोड़ा बहुत घर में रेस्ट कर सकते हैं, घर के बाहर अननेसेसरी बाहर नहीं निकले, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप काम करें। दूसरा क्या होता है कि जब आप रेस्ट करते हैं तो नॉर्मल बाउल मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। वो जब मूवमेंट कम हो जाता है, एक हार्मोन भी हम देते हैं, तो हार्मोन देने से ऑलरेडी थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जाते हैं, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस्ट्रिक, ऐसा लगता है कि गैस ज़्यादा बन रही है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है। ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी अगर आप रूटीन में अपना आप काम करते रहेंगे। तो रेस्ट करना है, लेकिन हमको बेड रेस्ट के लिए हम लोग कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना है कि पेशेंट को आप अपना काम कीजिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में जो आपका रूटीन चल रहा है वो करिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, और आप अपना रूटीन का जो भी वर्क आप कर सकते हो आप करिए, और ये हमारे लिए रहता है कि रेस्ट करिए लेकिन बेड रेस्ट नहीं करना होता। थैंक यू।
Like, comment, and subscribe.